स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि नगरीय ठोस कचरे में क्या क्या होता है। नगरीय ठोस कचरा में क्या हो सकता है? ठोस कचरा में, नगरीय ठोस कचरे में विभिन्न प्रकार की पुरानी व अप्रयुक्त सामग्री होता है। बहुत सारा पुराना होता है जो अप्रयुक्त है, जैसे जंग लगी पिन, इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। टूटे कांच हो सकते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हो सकते हैं, पॉलिथीन की बहुत सारी थैलियां हो सकती है, रद्दी कागज हो सकते हैं, सीढ़ी आदि शामिल होते हैं। सीडी सीडी, ठीक है, सीडी कैसेट सीडी। अब देखिए, बहुत सारी पुरानी वस्तुएं जिनका प्रयोग अभी नहीं कर रहे। कई बार जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि टच स्क्रीन वाली मोबाइल का महत्व जो है बढ़ गया। अब जिसके घर में छोटा वाला जो कीपैड फोन होगा, जो बटन वाला फोन है, वो उसके लिए क्या हो गया? कचरा हो गया, वो उसे फेंक भी सकता है। तो ये चीजें क्या है कि पुरानी और अप्रयुक्त, यानी जिसको अब प्रयोग में लाया नहीं जा सकता है, उसे ही लोग फेंक देते हैं और उन्हें ही हम लोग ठोस कचरा में गिनती करते हैं। ओके जैसे आप टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी अगर किसी के घर में होगा, अगर वो रखा हुआ तो ठीक है, लेकिन खराब पड़ा हुआ क्या करेगा? वो फेंक ही देगा। तो ये सारी चीजें नगरीय ठोस कचरे में आते हैं।